हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद पूनम में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्रंची स्वीट पफ की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन है इसे भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी का वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। सबसे पहले स्टफिंग की तैयारी करते हैं। कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप कोकोनट, इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें। दो मिनट हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर, जितना मैंने नारियल लिया था उसका 1/2 चीनी लेंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे 2 मिनट भून लेंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। चीनी मेल्ट हो चुकी है, अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कोको पाउडर, इसे मिक्स कर देंगे। इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। स्टफिंग को मैंने इस तरह से गोले बना के रेडी कर लिया है। बाउल में ऐड करेंगे पर्पस फ्लावर यानी मैदा 1 कप। इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून वेजिटेबल्स ऑयल। इसमें ऐड करेंगे वार्म वाटर। डो रेडी है, वापस से और एक डो बनाएंगे। बाउल में ऐड करेंगे 1/2 कप पर्पस फ्लावर यानी मैदा। इसमें ऐड करेंगे मेल्टेड बटर 4 टेबलस्पून। इसमें ऐड करेंगे वार्म मिल्क। डो रेडी है, अब इसके पेड़े बना लेंगे। जिसमें मैंने ऑयल डाला था उस वाले डो को बेल देंगे। इसमें बटर वाले डो की फिलिंग भर देंगे। सभी को मैंने रेडी कर लिया है। अब इसे एक एक करके इस तरह से बेल देंगे और इसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड कैसे करना? Thank you.
एक एक को बेल देंगे वापस से। और इसमें नारियल की फिलिंग भर देंगे। सभी को रेडी कर लेंगे। इस तरह से मैंने सभी को रेडी कर लिया है। अब इसे हल्का हल्का बेल देंगे। मैंने सभी को रेडी कर लिया है और इसे मैं कढ़ाई और ओवन दोनों जगह बेक करके दिखाऊंगी। ट्रे को बटर से ग्रीस कर लेंगे। इसे मैं ओवन में बेक करूंगी 180 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए। और इसे मैं कढ़ाई में बेक करके दिखाऊंगी। पैन को बटर से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो बटर की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ढक देंगे लो फ्लेम पर। वापस से इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक दे। 7 मिनट हो चुका है। और ये दोनों साइड से बेक हो गया है। इसे पकाने में टोटल 20 मिनट्स लगा है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। स्वीट पफ रेडी हो गया है और मैं इसे तोड़ के दिखाऊंगी। ये बहुत ही खस्ता बना है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।